एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। एंड आज का जो मीशो हॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था गाउन के रिव्यू के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लहंगे और साड़ियाँ ऑलरेडी शेयर की हुई है मीशो हॉल में। और गाउन का रिव्यू मैं कर रही हूँ आज, ये इनके कोड आपने ही मुझे भेजे थे। काफ़ी अच्छी एक पार्टी वियर गाउन है, अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा कैसी निकलती है। एंड उसमें गाउन भी है, साड़ी भी है एंड दो मोजरी भी है। आई होप आपको आज का ये मिक्स हॉल पसंद आएगा। एंड ये जो मोजरी है ना, ये मैंने मीशो से परचेज नहीं की, ये मैंने मिंत्रा से परचेज की है। पर दो ही मोजरी परचेज की थी वैली, तो मैंने सोचा इसी में मिक्स करके आपको बता देती हूँ। पता नहीं फिर मिंत्रा पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो इसलिए मैं आपको इसी में बता दूंगी ये वाली भी। और सभी के लिंक और कोड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो मीशो मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको फ्लैट 30% या 40% का ऑफ मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। और ऐसा तभी हो रहा था आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे। एंड गाइज, गिव अवे मैंने अनाउंस किया था काफी दिन हो गए, शायद 15 डेज या 10 डेज कुछ ऐसा हुआ है। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि विनर्स कब अनाउंस होंगे, तो मुझे थोड़ा इन दिनों में थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं विनर्स अभी अनाउंस नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ट्राई करूँगी आपके साथ दो तीन दिन में ही आपके साथ विनर्स बताने का कि कौन है नेक्स्ट गिव अवे के विनर्स। एंड ये जो मैंने पहना हुआ है, ये है एक लेयर्ड ब्लाउज, बहुत ही सुंदर रफल और लेयर्ड ब्लाउज है। काफ़ी लोगों ने मुझे इस बंदनी वाले ब्लाउज के लिए पूछा था, तो गाइस मैंने इसे परचेज नहीं किया है, मैंने इसे डिज़ाइन करवाया है। एंड इसके नीचे मैंने परचेज की थी स्कर्ट एंड विद ये वाला दुपट्टा, तो काफ़ी अच्छा लुक मैंने क्रिएट किया था। मैं ट्राई करूंगी साइड में इमेज देने का ब्लाउज की, जिससे आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाउन, और गाउन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कलर बहुत अच्छा है और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इस तरीके की पैकेजिंग में मिली थी। एंड ये वाली गाउन है ना, मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद था इसका मीशो पे, लेकिन इसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब वो तो देखने में पता चलेगा कि निकलती कैसी है, बाकी अगर नेगेटिव रिव्यू थे उस अकॉर्डिंग तो फिर मैंने सोचा एक बार परचेज करके देखते हैं, बिकॉज मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इस वाली गाउन के लिए, तो देखते हैं कैसे निकलती है। ये लाइम ग्रीन कलर की बेसिकली पूरी गाउन है एंड मिरर वर्क किया हुआ है, जो प्लास्टिक मिरर वर्क होता है ना, एक पूरी हैवी एंड पार्टी वेयर गाउन है। तो देखते हैं, अब मैंने जब हाथ में लिया है, फैब्रिक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको फैब्रिक को लेके। पता नहीं नेगेटिव कमेंट्स क्यों थे, बाकी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइम ग्रीन कलर की गाउन है, आप कलर देख सकते हो, पूरा ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी है और इसमें ये प्लास्टिक मिरर्स लगाए हुए हैं। इस तरीके की गाउन मिल जाएगी, पूरी कॉटन फैब्रिक में है ये गाउन एंड फ्लेयर काफ़ी अच्छा है। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, पूरा अप फ्रंट वाला पार्ट है ये, तो आप इसको देखो, राउंड नेक मिलेगी पूरे पे, इस तरीके का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, फुल मिरर वर्क, 3/4 इसमें स्लीव्स दी हुई है, स्लीव्स भी काफ़ी हैवी है। एंड इसमें जो मैंने साइज़ परचेज किया है वो है मीडियम साइज़ परचेज किया है, शायद स्मॉल मिला नहीं था तो मीडियम साइज़ परचेज किया है। वैसे मीडियम मेरे बिल्कुल सही आ रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है बिल्कुल सही आ जाएगा मीडियम, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर लेना। फ्लेयर आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, लाइट को देखो, इस तरीके का फ्लेयर मिल जाएगा आपको पूरी गाउन में। नीचे की साइड इन्होंने इस तरीके के मिरर्स लगवाए हुए हैं, फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्होंने 4 मीटर से भी ज़्यादा आपको फ्लेयर मिल जाएगा इस वाले गाउन में। सबसे अच्छी बात है कैन की स्कर्ट अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है गाउन में, और इसमें अंदर नीचे की साइड एक कैन लगवाई हुई है, हार्ड कैन, जिससे कि इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा। एंड बैक साइड अभी आपको पूरा सेम मिल जाएगा, तो इस तरीके की आपको एक फुल पार्टी वेयर गाउन मिलने वाली है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, लेंथ मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी कितनी लेंथ में ये आपके आ जाएगी जब मैं पहनूंगी। अभी मैंने इसे ट्राई ऑन नहीं किया है, उसके बाद मुझे पता चलेगा। वैसे लॉन्ग गाउन है, फुल लेंथ में गाउन है, तो इस तरीके की आपको एक बहुत ही सुंदर सी पार्टी वेयर गाउन मिलेगी। पैकेजिंग भी कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिप कवर में ये मुझे मिली है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो और नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ नेगेटिव कॉमेंट्स, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, मेरे कोड से परचेज करना जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको एज इट इज यही वाली गाउन मिलेगी। अब जो नेक्स्ट गाउन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सेम सेलर से मैंने परचेज की है, और हाँ
ये इस ज्वेलरी की काफी लोग पूछेंगे, तो ये वाली ज्वेलरी भी मैंने परचेज की है मीशो से। ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो शेयर किया हुआ है मैंने, बहुत ही सुंदर ये वाली फ्लावर वाली ज्वेलरी है विद इयररिंग्स मिले हैं इसमें। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मीशो की प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, और कुछ भी परचेज करना चाहते हैं आप उस प्ले लिस्ट को चेक करिए, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। जो नेक्स्ट गाउन है शेयर कर रही हूँ, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगी, सेम सेलर से है। अब देखते हैं इस वाली गाउन का जो है फैब्रिक कैसा निकलता है। गाउन क्या है, फ्रंट कट कुर्ती है विद लहंगा है, तो कुछ इस टाइप में है। एंड सबसे पहले मैं आपको कुर्ती बता देती हूँ, ये पूरा जॉर्जेट पे इन्होंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक इन्होंने यूज किया है। एंड काफी ब्यूटीफुल पीच कलर की आपको ये कुर्ती मिल जाएगी, इस पे आपको बारीक चेक्स मिल जाएंगे, राउंड नेक मिल जाएगी, यहाँ पे इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं इस तरीके के कपड़े के। और अगर मैं स्लीव्स की बात करती हूँ, फुल स्लीव्स इन्होंने दिए, स्लीव्स पे इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी की गई है, मिरर्स लगाए हुए हैं, प्लास्टिक मिरर है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का ये वाला डिजाइन मिल जाएगा सेम फैब्रिक में। जॉर्जेट फैब्रिक इन्होंने यूज किया है जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही सुंदर है, और कलर कॉम्बिनेशन काफी ब्यूटीफुल लगा। पूरी आपको फ्रंट कट कुर्ती मिलेगी, यहाँ पे आपको फ्रंट में कट मिल जाएगा, एंड जॉर्जेट पे है पूरी कुर्ती। एंड नीचे की साइड फिर इन्होंने इस तरीके का इस पे हैवी वाला डिजाइन दिया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की गई है, और प्लास्टिक मिरर लगाए हुए हैं, बहुत बहुत सुंदर डिजाइन है। एंड बहुत ही ज्यादा पार्टी वेयर गाउन है फॉर एनी फंक्शन एनी ओकेजन विद अफोर्डेबल प्राइस। जिस तरीके के इन्होंने कमेंट किए थे मुझे लगा था बिल्कुल अच्छे नहीं आएगी, लेकिन सच में अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी पार्टी वेयर गाउन है, और डिजाइन भी काफी ज्यादा न्यू है, पैटर्न बहुत ज्यादा न्यू है। एंड अंदर की साइड इसमें इन्होंने कॉटन का इनर लगाया हुआ है, और बैक आपको बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा। तो इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती मिलेगी। इसमें भी मैंने जो साइज परचेज किया है वो है मीडियम साइज परचेज किया है इसमें भी मैंने, तो इसके साइड इन्होंने इस तरीके का इसमें लहंगा दिया है, बेसिकली स्कर्ट है। और आप इस कुर्ती को पेयर अप कर सकते हो किसी और पैंट वगैरह के साथ, या फिर आप लहंगा नहीं पहनना चाहते उस अकॉर्डिंग, तो दोनों तरीके से यूज आ जाएंगी। एंड इसमें ये स्कर्ट मिली है, इसको भी आप किसी और ब्लाउज के साथ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने इस ब्लाउज के साथ स्कर्ट ली थी, एक बहुत ही अच्छी स्कर्ट थी, वो भी मैंने मीशो से परचेज की थी, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थी। तो मैंने ये पूरा ड्रेस है जो डिजाइन करवाया था, तो इस तरीके से आप डिजाइन करके अलग अलग स्टाइल में पेयर अप कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको ये पूरी चेक्स में स्कर्ट मिल जाएगी कॉटन में, और थोड़ा थोड़ा शाइनिंग वाला फैब्रिक इसमें मिक्स है, लाइक साटिन साटिन क्या सिल्क फैब्रिक कुछ इस टाइप में इसमें मिक्स किया हुआ है। तो पूरी स्कर्ट आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, इलास्टिक वाली स्कर्ट है, इलास्टिक इन्होंने यूज किया है जिससे काफी कंफर्टेबल रहेगी। पूरी पे इन्होंने चेक्स बनाए हुए हैं जो कि काफी अच्छे हैं, फ्लेयर काफी अच्छा मिल जाएगा आपको स्कर्ट के अकॉर्डिंग, एंड काफी ब्यूटीफुल है, पीच कलर में मिल जाएगी। तो फुल लेंथ में अगर ये वाली ड्रेस बाय करना चाहते हो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। अब मैं आपको साड़ी बता देती हूँ, साड़ी मैंने मेरे अकॉर्डिंग परचेज की है, लाइक मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी ये वाली साड़ी फॉर ऐसे ही डेली में मुझे रखने के लिए, या फिर मेरे पास साटिन की साड़ी भी नहीं थी तो मैंने सोचा साड़ी परचेज करती हूँ। पर मुझे साड़ी जो चाहिए थी ना वो ब्लाउज में चाहिए थी, कि विद ब्लाउज वो साड़ी आए स्टिच्ड, और ब्लाउज आए कुछ अच्छा सा पार्टी वेयर टाइप में जिसे मैं और चीज़ों के साथ भी पेयर अप कर सकूँ, एंड साड़ी आए बिल्कुल प्लेन। तो मैंने ट्राई किया ये वाली साड़ी को, अच्छा निकला है फैब्रिक। प्राइस स्क्रीन पे मिल जाएगी सभी की आपको। सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज बता देती हूँ, इसका ब्लाउज कुछ इस तरीके का मिलेगा जो कि काफी खूबसूरत फ्लावर प्रिंट ब्लाउज है। मैंने इस साड़ी को परचेस किया, परचेस करने का रीजन था मेरा कि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, दूसरा इसका ब्लाउज का प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे जो फ्लावर प्रिंट किया हुआ है बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा था, तो मैंने सोचा और साड़ियों के साथ भी काम में आ जाएगा, तो इसलिए। तो इस साड़ी का ब्लाउज कुछ इस तरीके का फ्लावर प्रिंट ब्लाउज मिल जाएगा, पूरा आप देख सकते हो मर्जेंटा पिंक और रेडिश कलर में मिक्स ब्लाउज है, पूरा फ्लावर प्रिंट है। एंड साइज इसमें मैंने क्या, फ्री साइज ब्लाउज आते हैं ये साड़ी के साथ, अगर जो ब्लाउज लेते हो फ्री साइज आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो, एडजस्ट ऑल पर करवा लो, बाकी इसमें स्लीव्स अंदर आती है, लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो, मैं लगवाती नहीं हूँ स्लीव्स। एंड बहुत ज़्यादा स्पेस आता है अंदर की साइड, तो अगर आप थोड़े वीक भी हैं या फिर आपके छोटे साइज के ब्लाउज आते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हो। बाकी अच्छा है, ब्लाउज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, अंदर की साइड इन्होंने कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग लगवाई हुई है,
और बैक साइड में आपको चेन मिल जाएगी इस ब्लाउज में। तो इस तरीके का पूरा फुल पैडेड ब्लाउज है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड फ्लावर प्रिंट इसका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो इस तरीके का ब्लाउज मिलेगा इसमें। साड़ी बिल्कुल प्लेन मिलेगी स्टार्टिंग की, और मेरे पास थी नहीं, कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। कलर ऑप्शन इसमें 5-7 और अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर लेना। पर फैब्रिक सच में इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा दिया है विद ब्लाउज। इस साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरीके की आपको पूरी साड़ी मिल जाएगी, मर्जेंटा कलर की साड़ी है पूरी एंड आप देख सकते हो कितना प्यारी है, शाइनिंग आप देख सकते हो, फैब्रिक काफी अच्छा इन्होंने लिया हुआ है। तो इस तरीके की आपको ये पूरी साड़ी मिलेगी, बिल्कुल प्लेन साड़ी है, 5.5 मीटर की साड़ी मिलेगी और चौड़ाई भी इन्होंने काफी अच्छी दी है। तो इस तरीके की फुल साटिन में आपको ये साड़ी मिलने वाली है जो कि बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड गर्लिश टाइप भी है, उस अकॉर्डिंग भी अच्छी है और फॉर एनी फंक्शन और एनी ओकेजन भी काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ लाइट वेट ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो इस तरीके की साड़ी, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी। तो ये वाले 3 मैंने मीशो से परचेस किए हैं, और भी काफ़ी सारा सामान मीशो से परचेस किया हुआ है बट वो मुझे अभी मिल ही नहीं रहा। और जैसे जैसे आएगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बिकॉज इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है फिर आप लोग बोलते हो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो यार फिर मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसी टाइम परचेस कर लीजिए, बिकॉज फिर तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाता है। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ मोजरी। मोजरी मैंने परचेस की है, मोजरी वैली ये मैंने परचेस की है ना मिंत्रा से, और मिंत्रा में अभी परचेज की थी, सेल के टाइम नहीं की थी, अभी कल परसों ही मुझे ये मिली है। ये वाली मोजरी है ब्रांड शुटोपिया से एंड अच्छा ब्रांड है। मैंने एक दो पहले सैंडल्स पहने हुए हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, दूसरा कि बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो मुझे मोजरी वैली लेनी थी तो मैंने सोचा ये वाली परचेज कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके की परचेज की है, इन दो परचेज की है वैली, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मिंत्रा से इसे परचेज कर सकते हैं। और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, मुझे कल ही मिली है ये वाली एंड ये कॉपर में है, कॉपर कलर में है, कलर ऑप्शन शायद इसमें गोल्डन भी था। एंड पूरे पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, शायद 500 के आसपास है ये वाली वैली एंड काफ़ी पार्टी वियर है, एथनिक ड्रेसेस के ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। एंड ये वाला इन्होंने थ्रेड का काम किया हुआ है, प्लस यहाँ पे इन्होंने कॉपर कलर के सिक्वेंस लगाए हुए हैं बीच बीच में, ये वाले में इसमें आपको सिक्वेंस मिल जाएंगे। और पूरा इसका बेस आपको इस तरीके का मिलेगा, और बैक आप देख सकते हो इस तरीके की इन्होंने यूज़ की, काफ़ी कम्फर्टेबल वैली है। जो मैंने साइज परचेज किया है वो है 41। अब जो नेक्स्ट वैली तो नेक्स्ट वाली मैंने परचेज की है और फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके की वैली मिल जाएगी, सेम ब्रांड है शुटोपिया एंड सेम प्राइस थी शायद 500 के आसपास। तो इसमें तो शायद कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मिंत्रा पे आप देख लेना एक बार। ये आपको सी ग्रीन कलर में मिलेगी एंड कुछ इस तरीके की वैली मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये ऊपर का जो इन्होंने यूज़ किया है लेदर है प्योर, एंड नीचे का आप सोल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, विदाउट हील है। एंड इसमें जो साइज परचेज किया है वो है 40 नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर लेना। साइड चार्ट दिया हुआ होता है, ये बो वाला डिज़ाइन मिल जाएगा आपको इस वैली में एंड फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स फॉर डेली यूजेस। तो गाइस आई होप आपको आज का ये मीशो हॉल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ सजेस्ट करिए आगे मैं कौन सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, आप कौन से हॉल देखना चाहते हैं। एंड गिवअवे विनर से जल्दी अनाउंस कर दूंगी, थोड़ा सा बस मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ इसलिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।